चले अपन कल के दिन से आगे, कहां तक पहुंच गए? अच्छा ओहो, आप लोगों ने तो मेरे को रोक लिया था, कंडीशन बिटवीन टू प्लेन्स, गुड गुड गुड। हाँ भाई, फाइंड डायरेक्शन कोसाइन ऑफ नॉर्मल टू द प्लेन दिस एंड डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। अच्छा, डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन कैसे निकालते किसी प्लेन की? अरे नॉर्मल फॉर्म बना लो, नॉर्मल फॉर्म में जो राइट हैंड साइड पर बड़ा डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन है, नहीं याद आया? नॉर्मल फॉर्म कैसे बनाते हैं? मॉडर्न से डिवाइड मार के। अब ये पंगा है, मॉडर्न क्या होता है, एन क्या होता है? एबीसी, याद आया? एन क्या चीज होती है? एबीसी। तो मॉडर्न कैसे निकालो? अंडर रूट एक्स प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अच्छा, अब कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ प्लेन किसी को याद है? ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड इक्वल टू डी, सही ना भाई? किसी किसी बुक में के एक्स प्लस बी वाई प्लस सी एक्स प्लस डी इक्वल टू जीरो लिखा होता है, तो आप उसको लेकर डरे नहीं, वो चिंता की कोई बात नहीं, डी इधर उधर हो सकता है। ये कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ प्लेन हो गए। किसी को अगर याद हो तो मेरे को ये भी बता दो, वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन, आर वेक्टर डॉट एन वेक्टर इक्वल टू डी, है ना? रिसर्च एंड डेवलपमेंट, है ना? रिसर्च एंड डेवलपमेंट। अच्छा एनीवे, पॉइंट बताता हूं। चलिए एक क्वेश्चन बताइएगा, ठीक है? देखें आपने जो आंसर सोच पाए, कल मैंने ऐसा एक क्वेश्चन कराया था लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है आज नहीं कर पाओगे आप। लिखिएगा इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू, इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू 1 0 माइनस 2 1 0 एंड माइनस 2, ठीक है? इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू 1 0 एंड माइनस 2 एंड परपेंडिकुलर टू, एंड परपेंडिकुलर टू पी वन 2x प्लस वाई माइनस जेड, आगे क्या था, इक्वल टू जीरो है क्या? एनीवे क्या फर्क पड़ता है, इक्वल टू जीरो एंड पी टू एक्स माइनस वाई माइनस जेड इज इक्वल टू 3। एक ऐसे प्लेन की क्वेश्चन, तो इससे तो पास आउट हो, याद है ना? प्लेन के लिए दो चीजों की दरकार है, एक फिक्स पॉइंट और एक एन। फिक्स पॉइंट मैंने दे दिया, एन कहां से लाऊं? दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट, शानदार। लिखो सीधे से एन वेक्टर लिख दो, आपको एन वेक्टर इक्वल टू में देखें आप कैसे लाते हो, ठीक है? जल्दी जल्दी, ये नहीं कि पेन वेन निकाल रहे हो, आप टाइम वेस्ट कर रहे हो इधर उधर से, ठीक है? दो दिन में पेन आएगा बाद। हाँ भाई, एन इज इक्वल टू आई जे के टू 1 माइनस 1 1 माइनस 1 माइनस 1, याद है? इन दोनों का तो क्रॉस लेना पड़ेगा, वो मेरे को एन देगा, है कि नहीं? और क्रॉस में क्या होगा, -1 -1 -2, पहला तो कॉमा, और जे के लिए होगा क्या, -2 +1 -1 -1 का -, दैट इज +1, और के लिए देखा जाए तो -2 -1, दैट इज -3। तो मेरे पास एन वेक्टर आ गया साहब। अच्छा एन वेक्टर क्या होती है, मेरे को किसी चीज की जरूरत है प्लेन की क्वेश्चन की, और प्लेन की क्वेश्चन याद है आर एन डी, आर वेक्टर माने बोला था एक्स वाई जेड, ले लू एक्स वाई जेड, ठीक है? माइनस ए, ए बोले तो 1 0 माइनस 2, ठीक है ना? और दोनों के बाहर कौन, डी नहीं, आर माइनस ए डॉट एन वेक्टर, एन वेक्टर बोले तो -2 1 एंड -3 इक्वल टू 0। मैंने क्या लिखा है, आर माइनस ए, आर ये रहा, ए ये रहा, डॉट एन वेक्टर ये रहा, दिख रहा आपको, है ना? बस मैंने तो आर माइनस ए डॉट एन लिखा है। एनीवे कई बच्चों को पता है इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन क्या दे देगा, -2x + y - 3z, सही है? इज इक्वल टू, मैं इन सब का मल्टीप्लीकेशन उधर लिख रहा हूं, मैं माइनस माइनस प्लस करते हुए -2 + 0 + 6, सही आंसर विल बी 4। ये सब सेम, ठीक है ना भाई? तो -2x + y - 3z इक्वल टू 4, नहीं आई बात पकड़ में? आ गया, कितने लोगों का गलत है, कितने का सही है? सही है। हाँ भाई, अगला लिखिएगा, फाइंड, अगला क्वेश्चन है फाइंड डायरेक्शन कोसाइन ऑफ लाइन ऑफ इंटरसेक्शन, फाइंड डायरेक्शन कोसाइन ऑफ लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ पी वन एक्स प्लस टू वाई माइनस जेड इक्वल टू जीरो एंड पी टू, ठीक है, 2x + y + z - 3 = 0। फाइंड डायरेक्शन कोसाइन ऑफ लाइन ऑफ इंटरसेक्शन, ये आपके लिए जरूर एक रोचक चीज है कि लाइन ऑफ इंटरसेक्शन क्या पंगा आ गया, सही है? ये बताने के लिए मैं आपको ये सिखा सकता हूं, देखिए साहब लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ये होती है, ये दिख रहा है आपको,
ये एक प्लेन है, ये एक प्लेन है, ये एक प्लेन है, ये दूसरा प्लेन है, दिख रहा है आपको, ये लाइन ऑफ इंटरसेक्शन है, ये जो है ना, ये दिस इज लाइन ऑफ इंटरसेक्शन। अगर मुझे इसकी डीसी निकालना है, इसका डायरेक्शन कोसाइन निकालना, तो मैं कैसे निकालूं? आपको मेरी बात समझ में आई? ये प्लेन है, ये प्लेन है, इसका ये डायरेक्शन कोसाइन है, सॉरी ये लाइन ऑफ इंटरसेक्शन है, मुझे इसका डीसी निकालना है, ठीक है? नहीं, इसके लिए मैं एक छोटा सा काम करता हूं, मैं इसको समझाने के लिए क्या बताऊं, ठीक है? नहीं, हाँ है ना, कोई रद्दड़ सी चीज, ठीक है, इसका अपन भला कर दें, ठीक है? ये सपोज कीजिए, ये जैसा भी ये काम चला लेना भाई, है ना, कुछ काम कर देंगे नहीं, ठीक है? हाँ भाई, ये देखिएगा, ये दो प्लेन है, ठीक है? अरे कल को पता चला मैंने किसी का, नहीं वो मैंने जिरॉक्स करा के रख रखा है और पता चला भेज दिया, ठीक है? ये एक प्लेन है, ये दूसरा प्लेन है, मुझे ये लाइन ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है, देना पेन, हाँ ये ऐसे ही चाहिए बिल्कुल, ठीक है? ये इसका एन वन दिखा आपको, नहीं आया, ये इसका एन वन, इस प्लेन का एन वन, इस प्लेन का एन वन दिख रहा है, अच्छा ये इस प्लेन का एन टू, ठीक है, ये इस प्लेन का एन टू, दिख गया? अब मेरे को क्या करना है, मैं दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट मार रहा हूं साहब, दोनों को परपेंडिकुलर रखते हुए देखे आप, दिख रहा है आपको? ये दोनों को परपेंडिकुलर, ये जैसे जिस भी एंगल में मिले मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना? लेकिन आप ही देखना, मैं आपको जो दिखाऊंगा वो देखना, जैसे मैं इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट लूंगा, इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट कैसा कुछ होगा, अरे इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट कैसा कुछ होगा ना, अरे यू देखो ना, यू दिखा आपको, अभी भी नहीं दिखा, इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट कैसे आएगा, इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट इस प्रकार से आएगा, याद आया? ये दोनों का क्रॉस ऊपर की ओर, अब देखिएगा सोच करके, ये जो पीली पेंसिल है, ये जो येलो पेंसिल है ना, दिख रहा है? ये और ये लाइन, लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ये है ना, क्या दोनों पैरेलल है कि नहीं है? ये लाइन और ये लाइन, याद रखना, लाइन ऑफ इंटरसेक्शन जो है, ये लाइन ऑफ इंटरसेक्शन है, ये एक प्लेन यू आ रहा है, एक प्लेन यू जा रहा है, ये जान दो दोनों बिड़े, ये लाइन ऑफ इंटरसेक्शन है, ये लाइन ऑफ इंटरसेक्शन और ये येलो पेन, येलो पेंसिल, ये दोनों पैरेलल है, तो अगर मुझे इसका डीसी निकालना है, तो मुझे इसका डीसी निकालना चाहिए, और इसका डीसी निकालने के लिए मेरे को फाइट नहीं लगानी, मेरे को इसका डीसी निकालने के लिए, लेकिन दोनों का एन वन और एन टू का क्रॉस मारना है, और क्रॉस मारते इसका डीसी आ जाएगा, और इसका डीसी आते ऑटोमेटिकली इसका डीसी आ जाएगा, अभी भी पकड़ में आया? तो याद रखिएगा, क्या क्या था, इतनी सी बात लिखनी है अपने को, बात समझ में आई? लाइन ऑफ इंटरसेक्शन, लाइन ऑफ इंटरसेक्शन, ठीक है भाई, लाइन ऑफ इंटरसेक्शन इज पैरेलल टू, लाइन ऑफ इंटरसेक्शन इज पैरेलल टू, ठीक है, नॉर्मल ऑफ, हाँ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ, पैरेलल टू क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ नॉर्मल ऑफ एन वन एंड एन टू, सही भाई, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ नॉर्मल ऑफ, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ नॉर्मल ऑफ एन वन एंड एन टू, नॉर्मल ऑफ पी वन एंड पी टू, क्या बोल गया मैं, नॉर्मल ऑफ पी वन एंड पी टू, पी वन एंड पी टू, सही है भाई, इसका मतलब ये कि लाइन ऑफ इंटरसेक्शन का डीसी, ठीक है, डीसी ऑफ लाइन ऑफ इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन इज इक्वल टू एन वन क्रॉस एन टू, वो एन वन और एन टू को क्रॉस करूंगा तो जो बनेगा मेरे पास में ऑटोमेटिकली मेरे को डीसी, लाइन ऑफ इंटरसेक्शन का डीसी दे जाएगा, है ना भाई, एन वन और एन टू, नहीं पी वन पी टू तो प्लेन है, पी वन पहला प्लेन, पी टू दूसरा प्लेन, उन दोनों का एन वन और एन टू का क्रॉस प्रोडक्ट वो होगा, वो ऑटोमेटिकली लाइन ऑफ इंटरसेक्शन के पैरेलल आ जाएगा, याद आ गया? अब मैं निकालूंगा कैसे, मैं भूल गया, कैसे निकालते हैं क्रॉस, अरे वो तो आपने पिछले वाले ना पहले खटाक से वही तो निकाल रहे थे, आई जे के, यहां कहता वन टू वन, ये टू वन वन, सॉल्व इट, हाँ वन टू माइनस वन, सही है, वन टू माइनस वन, और इधर से देखा था टू वन वन, दोनों को क्रॉस कर लो, आ जाएगा, कर लो, ठीक है, दैट विल बी थ्री, हाँ मैं एक्चुअल में खुद ही करना चाह रहा, ये कर लेंगे ना अपन, इनको ये तक भी पिलाएंगे तो मतलब गलत हो जाएगा, कर लेंगे ना, सब लोग क्रॉस करना तो सब जानते ही हैं, सही है। अब याद रखना एक और बात, इस पूरी कहानी से शानदार बात जो समझ में आती है वो ये कि दो प्लेन की इक्वेशन एक साथ देना माने लाइन देना, दो प्लेन एक दूसरे से जहां मिलते हैं वो लाइन होती है, ठीक है, रिमेंबर इट, है ना, ये पॉइंट अपन पहले से लिख डालते हैं ताकि अपने को बाद में किसी जगह पे सीखना पड़े तो तकलीफ, रिमार्क में डाल दीजिएगा, ठीक है,
गिविंग टू इक्वेशंस आर प्लेइंग साइमल्टेनियसली गिविंग टू इक्वेशन ऑफ प्लेइंग साइमल्टेनियसली ठीक है इज इक्वल टू इक्वेशन ऑफ लाइन सही है दो प्लेन की इक्वेशन एक साथ देने का मतलब होता है एक लाइन की इक्वेशन दे डालना गिविंग टू इक्वेशन ऑफ प्लेन साइमल्टेनियसली दो प्लेन एक साथ दे दिए मैंने लाइन दे दी अपने को चलो नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं हाँ भाई अब आइएगा अगला क्वेश्चन अगला पॉइंट ले रहा हूं अगला पॉइंट है ठीक है अगला पॉइंट है इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू थ्री पॉइंट्स ठीक है भाई तीन पॉइंट्स से गुजरने वाला प्लेन ठीक है भाई इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू थ्री पॉइंट्स ठीक है हाँ भाई आपके सामने बस छोटा छोटा सा फटाफट से कुछ छोटी छोटी बातें तय करवा लेता हूं आपसे प्लेन बनाना पड़ेगा लोजा प्लेन बन गया प्लेन बनते तीन पॉइंट दिखाऊं कोई भी तीन पॉइंट दिखाने के लिए अपन इधर आ जाते हैं सही भाई ये तीन पॉइंट एक पॉइंट ये रहा सही भाई अपने पास में तीन पॉइंट है जरा देख लीजिएगा पहला पॉइंट का नाम ए दूसरे पॉइंट का नाम बी तीसरे पॉइंट का नाम सी बड़े जल्दी से समझना मैं आपसे तो पूछता हूं उसका जवाब देना ए पॉइंट एक बार अज्यूम करते हैं एक्स वन वाई वन जेड वन ले लू अगला पॉइंट क्या लू एक्स टू वाई टू जेड टू बहुत सिंपल है अगला पॉइंट क्या लेना जल्दी बोलो एक्स थ्री वाई थ्री जेड थ्री सही है ना भाई लेकिन 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 तीन पॉइंट से काम नहीं चलेगा एक जनरल पॉइंट लो जिसका नाम आर राइट है भाई अब अपन क्या करेंगे मैं आपसे दो बातें तीन बातें पूछूंगा इसको इससे जोड़ सकता हूं क्या ये एक ऐसा वेक्टर है जो इस प्लेन में है हाँ कि ना अच्छा क्या ये वेक्टर भी इसी प्लेन में है अच्छा क्या ये वेक्टर भी इसी प्लेन में है इस वेक्टर का नाम आर वेक्टर उम्मीद है आप में से कई लोग नहीं जानते आर कौन है एक्स वाई जेड याद आ गया वेरी गुड क्लियर है अच्छा क्या आपको लगता है ए आर ए बी और ए सी ए आर ए बी ए सी तीनों एक ही प्लेन में इसका मतलब मैं कह सकता हूं ए आर ए बी एंड ए सी आर को प्लेनर सही है किसी को याद है कोप्लेनरिटी की शर्त क्या है डब्बा जीरो कोप्लेनर ठीक है ना भाई इंप्लाइज मैं कह सकता हूं डब्बा ए आर ए बी ए सी का डब्बा इक्वल टू जीरो बेहतरीन क्या बात कह दी अच्छा अगर किसी का डब्बा जीरो है इसका मतलब उसका डिटरमिनेंट भी जीरो ए आर का डिटरमिनेंट लिख रहा हूं उम्मीद है आप में से कई लोग नहीं पहचान पाएंगे एक्स माइनस एक्स वन क्या बात है ए आर का एक्स माइनस एक्स वन वाई माइनस वाई वन जेड माइनस जेड वन पक्का ए बी का लिख रहा हूं ए बी एक्स टू माइनस एक्स वन वाई टू माइनस वाई वन जेड टू माइनस जेड वन सही है क्या भाई ए सी सी माइनस ए एक्स थ्री माइनस एक्स वन वाई थ्री माइनस वाई वन और इधर जेड थ्री माइनस जेड वन एंड दैट इज ऑल इक्वलेंट टू जीरो वाकई में बहुत शानदार चीज है लिख लीजिएगा फटाफट इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू थ्री पॉइंट ठीक है आप बताइए क्या याद रखना पसंद करेंगे वो या ये हाँ ये ज्यादा आसान है क्योंकि 3D है मैंने कहा था 3D वेक्टर से आसान पड़ती है सही है आज की न्यूज सुन ली क्या आपने नहीं शायद ही उसी वक्त पर रो रहे हैं मतलब खुश हो रहे हैं सॉरी ठीक है तो इंडियन आर्मी पाकिस्तान में घुस गई ना पता ही नहीं क्या आपको अरे भाई साहब 38 आदमी मार दिए 38 आदमी मरे और बकायदा सबूत के साथ पाकिस्तान वाले कह रहे हैं दो मरे हैं सबूत के साथ मार गए ये और एक खरोच नहीं लगी एक कांटे की खरोच कह देना एक कांटे की खरोच लगी अंदर घुस करके उड़ा दिया है ये बहुत बड़ी बात है नहीं है हाँ अभी तो अरे मेरे पास हमारे तो क्या लाइट नहीं थी ठीक है क्योंकि जब भी ऐसी कोई खतरनाक न्यूज होती है ना तो वो नहीं लाइट क्या गड़बड़ कर देते हैं ताकि वो स्प्रेड नहीं हो इसको दबाते हैं नहीं तो पता लगा कोई हमला हमला हो गया आपस में भिड़ गए क्योंकि दो चार पाकिस्तानी तो कहीं ना कहीं से निकल ही आते हैं पता नहीं हाँ अरे कोई ये, मैं अगर कोई कोई लोग तो ऐसे भी होते हैं ना जैसे आपने मान लो इस पे भी हमला कर दिया किस पे श्रीलंका पे भी ठीक है तो भी उनके दर्द होता अरे श्रीलंका का हमला हो गया अरे बाहर में जान देना तेरे घर से क्या तुम तो आते जिंदगी से पत्थर नहीं मारा ना तू तो घर में बैठ तेरे को परेशान हो रहा है ठीक है तो इसीलिए शायद लाइट वाइट
ऑन ऑफ हो रही थी, लेकिन व्हाट्सएप को कौन रोक सकता है? सोशल मीडिया पे लोग पगलाए हुए हैं, पगलाए हुए। ठीक है, मैं आपको एक बहुत छोटी सी बात कभी बताऊंगा, कभी बैठ करके आपको, जैसे कई लोगों के पास जियो की सिम कितों के पास आ गई, जियो की सिम आ गई ना 4-5, अरे ले लो, स्टूडेंट को तो बहुत इजीली अवेलेबल है, स्टूडेंट को तो परमानेंट, हाँ 4G फोन नहीं है तो लेकिन जिनके पास जियो की सिम है वो तो देख सकते हैं ना। यूट्यूब पे कभी आप एक चीज देखना, वन डे इन है ना नॉर्थ कोरिया में एक दिन, नॉर्थ कोरिया में मोबाइल बैन है, कैमरे बैन है, वहां पे पूरे उसमें पूरी जनता में किसी के पास मोबाइल नहीं है, जिनके पास भी फोन है वो सब सैटेलाइट फोन है, फोन कंपनी नहीं है, बाहर में जान दो, जब फोन कंपनी नहीं होगी तो काय का मोबाइल होगा, कोई तो प्लान वलान भी नहीं बिकते, टीवी सिर्फ 4 घंटे के लिए आता है, वो भी सरकारी टीवी है, जिसमें 3 दिन छोड़ के 1 दिन वो मूवी दिखाते हैं, और वो मूवी भी देशभक्ति की होती है, लफड़ाई खत्म, ठीक है ना। अच्छा और तो और, लेकिन ये तो कुछ नहीं है, कुछ दिनों पहले जो क्राइसिस में था तो हर आदमी को 10 ग्राम खाना मिलता था, 10 ग्राम, क्योंकि दिस इज द मिनिमम फूड रिक्वायर्ड टू लिव एनीबॉडी ऑन द अर्थ, इससे कम में तो मरीज है, और वो खाना कैसे मिलता है, 30 रुपए डब्बी मिलती होगी शायद, मेरा ना लगा लेकिन ये आपका आज का खाना है, सही है ऐसे है ना, ठीक है। अरे नहीं सीरियसली, वहां शॉप्स भी नहीं है, जैसे आपके सामने है जितनी चेन ऑफ शॉप्स खुल गई, ये सब नहीं है, वहां सरकारी दुकान है, वहीं से आपको खाना मिलता है, और अभी तो बराबर मिलता है, अभी तो बराबर है, कोई लफड़ा नहीं, मस्त खाना मिलता है, डोंट वरी, ठीक है ना, सब कुछ बढ़िया है वहां पे अभी। लेकिन ना उनकी सीमा में कोई जा सकता है, ना उनसे कोई बाहर आ सकता है, किसी से दोस्ती नहीं है, कोई लफड़ा नहीं। हाँ, जैसे अब मैं ये एग्जाम्पल क्यों ले रहा हूं, मैं इसलिए एग्जाम्पल ले रहा हूं ताकि हम इस बात को समझ सकें कि कहानी क्या है। वहां पे क्लास फर्स्ट का नर्सरी का पहला लेसन है, यूएसए इज माय एनिमी, यूएसए इज माय एनिमी, वो उनका पहला लेक्चर है, पहला है कि नहीं। और इस पूरे गाने को, यूएसए इज माय एनिमी को, वो उस छोटे से बच्चे को जो कि मुश्किल से 4 साल का है, ठीक है ना, उसको 4 साल से लेके 5 साल माने 1 साल तक लगातार गवाते हैं, समझते हैं आप, जैसे अपने यार राइम गवाते हैं ना, जिंगल बेल, वैसे उनको गवाते हैं यूएसए इज माय एनिमी। अब थिंक अबाउट दिस कि वो जिस दिन वो बच्चा बड़ा होगा और 22-23 साल का नौजवान बनेगा, उतने सालों के दौरान वो यूएसए को क्या मानेगा, एनिमी, परफेक्ट एनिमी मानेगा, परफेक्ट एनिमी, उसकी तमाम बुराइयां उसको सुनाई जाएंगी। वही का वही काम कश्मीर में हो रहा है, वही का वही काम, तो वो जरे जो है वो अब दे बिकम बायस, पाकिस्तान हमारा है, हम पाकिस्तानी हैं, इसके नारे सुबह शाम गाते हैं वो लोग, आपको तो वीडियोस मिलते नहीं है, हमको एक एक वीडियो मिलता है, हर दिन, हर सुबह, हर शाम का वीडियो मिलता है, हर दिन का वीडियो मिलता है हमको, ठीक है। मैं तो बहुत छोटी मछली हूं, सोचो नरेंद्र मोदी को क्या क्या मिलता होगा, ठीक है ना, जब इतनी भयंकर क्राइसिस चल रहा हो तो आप उस बच्चे से क्या उम्मीद, उन्होंने स्कूल ही बंद कर दिए, ना पढ़ेगा ना समझ पाएगा असली कहानी क्या है, खत्म कर दो एजुकेशन, पिछले 80 दिन से खत्म है, NIT पिछले 80 दिन से नहीं खुले, NIT श्रीनगर नहीं खुला है, हाँ स्टार्ट ही नहीं हुआ, एक सेशन पूरा बर्बाद होने की तरफ है, कॉलेज है, सोचो आप, बट दे आर लीस्ट वरीड अबाउट इट, वरना हमारे जैसे लोग तो बाहर आ जाते पत्थर लेकर के कि पढ़ाओ तो सही सालों, और कुछ नहीं करते, पढ़ाओ तो सही, इनकी फ्यूचर क्यों खत्म कर रहे हो, ये आगे पीछे आप ही के तो नौकरी करेगा, समझ रहे हैं आप नहीं, हाँ अभी आपको नहीं पता, बट ये चीज समझने लायक है, कभी आप वो वीडियो देखे तब आपको समझ में आएगा कि वो एक आदमी आखिरकार इतना किलिंग क्यों होता है। जो नॉर्थ कोरिया है उसकी आर्मी, नॉर्थ कोरिया कितना पता आपको, 8 कोटा मिला लो, बस इतना सा है, 8 कोटा मिला लो, 8 कोटा में कितनी जनता रख लोगे, सोच लिया, वहां तो वो भी नहीं रख सकते क्योंकि आधे से ज्यादा उजाड़ है, बर्फ है वहां पे, इसमें कितने लोगों को बिठा लोगे, सोच लिया आपने, 8 कोटा के बराबर की जनता और दुनिया की 4th लार्जेस्ट आर्मी, इसमें 8 कोटा के अंदर उन्होंने चौथी लार्जेस्ट आर्मी बनाई है,
वहां की पर ह्यूमन किलिंग पावर 10% सोल्जर है। एक आदमी 10 आदमियों को निहत्ते मार सकता है, निहत्ते। सही है? हाँ, आपको नहीं पता, ये है खतरनाक सीन है, बोलो। ठीक है, जेल के अंदर क्या सीन होता पता है आपको? जेल में आप होते हो, अंधेरा होता है और चूहे होते हैं। आप होते हो, अंधेरा होता है, चूहे होते हैं। चूहे कम से कम नहीं नहीं करते अभी, कम से कम ये पेज से बड़े, हाँ पेज से बड़े चूहे। वहां की जेल कुख्यात है, कुख्यात। दो बातें होंगी, या तो आप चूहे को मारोगे और खाओगे क्योंकि खाना नहीं है, या फिर चूहा आपको मार के खा जाएगा, बात ही खत्म। और जो आप फिल्मों में देखा करते हैं ना, अमरीश पुरी की जेलें और ये और वो पुराने टाइम, एग्जैक्टली वो है, एग्जैक्टली वो है, एग्जैक्टली वही है। सोचो अपने रक्षा मंत्री को, अपनी रक्षा मंत्री को, जो एक मिनट पहले रक्षा मंत्री था, है कि नहीं, तो उसे उड़ा दिया। हाँ, किम जोंग, सही है। सिर्फ इसलिए उसको यू हुआ था, और उसने जब देखा तो वो कोई हंसी की बात कह रहा था और वो हंसा नहीं, और यू हुआ उसको, कहा एक मिनट जाना, ठीक है, आदेश दिया, इनको उड़ा दो, उड़ा दिया, खत्म, बात खत्म। कोई मतलब नहीं है कि कौन सा बटन कहां है, पूछ तो लूं पहले। ठीक है, हमारे यहां तो कम से साइन वाइन करवा ले, भाई साहब ये तो बता दो कि अगला आदमी किसको बैठा है, कौन सही रहेगा, कौन कौन सी चीजें कहां कहां छुपा रखी है, बाहर में जा, ठीक है, हम ढूंढ लेंगे सारे बटन। ठीक है, तो उड़ अभी, क्या है, शानदार है ना जी, इधर आ जाओ, जबरदस्त है, मस्त कंट्री है ना। सोचो साउथ कोरिया वालों की क्या हालत होती होगी, पास में ऐसा पागल आदमी रहता हो जिसके, ठीक है, है नहीं, हमेशा दिमाग खराब रहता हो, भगवान जो किस दिन इसके मन में आ गई कि नहीं कुछ नहीं यार, ऐसे तफरी करने आया था, मिसाइल विसाइल लगा दी बस में। ठीक है, ठीक है, अगले पॉइंट के ऊपर बात करें, अगला लिखेगा, हाँ भाई नेक्स्ट पॉइंट पे लिखेगा, इसी के अंदर एक रिमार्क के अंदर डालिएगा, अब आ जाते हैं वापस से पॉइंट आ जाते हैं। ठीक है, थोड़ा बैंक दिया था मैं, ठीक है, रिमार्क लिखेगा, टू इंटरसेक्टिंग लाइंस डिटरमाइंस अ प्लेन। ठीक है, टू इंटरसेक्टिंग लाइंस डिटरमाइंस अ प्लेन, लिख दिया, टू इंटरसेक्टिंग लाइंस डिटरमाइंस अ प्लेन। इसका मतलब समझते हैं आप? मुझे सिर्फ दो लाइनें दे दो, मैं प्लेन दे दूंगा आपको। कैसे? जैसे आपने दो लाइनें दी, दोनों जहां कटेंगी वो पॉइंट मेरे प्लेन के लिए जरूरी है। अगर मेरे को प्लेन में एक फिक्स पॉइंट की दरकार है, वो मेरे लिए ए बन जाएगा, आर माइनस ए वाला। लेकिन ये पेंट पॉइंट कहां से लाऊंगा? इंटरसेक्शन पॉइंट हमने वेक्टर में सीखा था, याद आया? तो ए वहां से आ जाएगा, आर माइनस ए। फिर सर एन कहां से लाओगे? दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट, याद आया? तो जैसे ही आएगा मेरे पास क्वेश्चन का आंसर। समझ में आया कि नहीं आया? टू इंटरसेक्टिंग लाइंस डिटरमाइंस अ प्लेन, इसका ये मतलब होता है, दो लाइनें दीजिए, प्लेन लीजिए। कहानी पकड़ भाई, नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर आ जाता हूं। अच्छा, ये तो हुआ रिमार्क, अब इसके बाद में इसी का एक और पार्ट, इसी का एक और पार्ट लिख रहा हूं, राइट है? इक्वेशन ऑफ प्लेन अगला है, इक्वेशन ऑफ प्लेन, इफ ए बी वेक्टर माने कोई एक वेक्टर, दूसरा पी वेक्टर एंड क्यू वेक्टर माने तीन वेक्टर आर कोप्लैनर। हाँ भाई, क्या लगता है आपको, अगर ये तीन जने कोप्लैनर हैं तो आपका दिमाग क्या क्या कहता, बता दो आपको। पहली लाइन खत्म, हाँ एक लाइन बोलते मेरा काम खत्म, किसके साथ? ए बी पी वेक्टर क्यू वेक्टर इक्वल टू जीरो। क्या आप में से कोई इस बात के लिए भी तैयार है कि मैं आगे कभी ए बी वेक्टर डॉट पी क्रॉस क्यू कर दूं इक्वल टू जीरो, सही है कि नहीं? जिसे पी क्रॉस क्यू मुझे क्या दे देगा? एन वेक्टर दे सकता है, लेकिन हमने को जरूरत नहीं, बस मैं सिर्फ हिंट ले रहा हूं, राइट है भाई? अच्छा, अगले पॉइंट के ऊपर बात करता हूं। ये एक पॉइंट हुआ है ना, अब इसी का दूसरा पॉइंट ले रहा हूं। इक्वेशन ऑफ प्लेन हैविंग थ्री वेक्टर्स, नाम ले रहा हूं, अभी ए बी लिया था, अब ए बी नहीं ले रहा, अब मैं ले रहा हूं पी वेक्टर क्यू वेक्टर एंड आर वेक्टर। आर वेक्टर नहीं यूज कर सकता, पी वेक्टर क्यू वेक्टर, हाँ कोई भी ले लेते हैं एस वेक्टर। कल को मेरे को तीन वेक्टर मिल जाए, मेरे काम चल जाएगा क्या?
नहीं है क्या मेरे? अच्छा ऐसा क्यों करते हैं अपन, एक एक एस वेक्टर लेने की वजह ए वेक्टर ले लेता हूँ, चलेगा ये ज्यादा अच्छा लगेगा। तीन वेक्टर मेरे पास पड़े, क्या मेरा काम चल जाएगा? क्या लगता है कैसे जाऊं? डब्बा पी क्यू इक्वल टू जीरो, बर्बाद हो जाएगा। तीन वेक्टर है, तीन वेक्टर का मतलब तीन पॉइंट, एक पॉइंट, दो पॉइंट, तीन पॉइंट। इसमें एक चीज की और जरूरत है, हाँ वेरिएबल पॉइंट। याद आया तीनों तो फिक्स है, अरे तीनों तो फिक्स है ना, मेरे को सिर्फ एक ही पॉइंट की दरकार है, फिक्स वेरिएबल पॉइंट, और दैट विल बी आर वेक्टर। ये वाला वेक्टर इज ए वेक्टर, ये वाला वेक्टर इज पी वेक्टर, ये वाला वेक्टर इज क्यू वेक्टर। अच्छा इस वेक्टर को मैं क्या मान लूं? आर वेक्टर। तो इसका मतलब ये और ये तीनों कैसे होंगे? तीनों कैसे होंगे? को प्लानर। एक पॉइंट है ना, अभी एक और पॉइंट पूछता हूं, एक और छोटी सी बात पूछता हूं। क्या सर हर बार इन्हीं से मिलाना जरूरी है क्या? नहीं, इसीलिए पॉइंट उठाया जाता है कि क्या मुझे हर चीज को आर से मिला मिला के खेलना जरूरी है? फिर तो हमने सिखा दिया ना वो तरीके में, और ये तरीके में नयापन क्या है? मैंने कहा नहीं, ये भी सोच का एक तरीका है, वो सोचते हैं अपन कि किसी ने मेरे को कहा कि कोई एक वेक्टर है जिसका नाम पी वेक्टर है, पी वेक्टर किसी एक वेक्टर का नाम है, क्यू वेक्टर एक दूसरे वेक्टर का नाम है, क्या ये बात समझ में आई? और ए वेक्टर जो है उसको मैंने जानबूझ के आर से अटैच कर दिया है, क्या यहां तक की बात पकड़ में आई? नहीं आया। अच्छा अगर आपको ये बात समझ में आ गई तो मुझे ये बताइए कि मेरे पास में तीन अलग अलग वेक्टर हैं जो कि इसी प्लेन में, तो राइट नाउ मैं बोल सकता हूं ए आर समझ में आया, ए आर वेक्टर और पी वेक्टर एंड क्यू वेक्टर आर को प्लेनर, यहां तक बात पकड़ में आई ना? अच्छा लेकिन सर मैं वापिस उसी रस्ते जा रहा हूं, मैं उस रस्ते जाना नहीं चाहता, मैं दूसरा थॉट दे रहा हूं। क्या मैं आपको ये बताऊं कि प्लेन इन्फिनिट लेंथ का होता है? तो ये लाइन कभी तो आगे बढ़ेगी, ये लाइन कभी भी आगे बढ़ेगी। अच्छा जिस दिन ये क्रॉस ये होगा, इसका परपेंडिकुलर आउट आएगा, उसका नाम क्या होगा? उसका नाम क्या होगा परपेंडिकुलरली जो बाहर आएगा? नहीं, एन वेक्टर तो होगा लेकिन नाम क्या होगा? टी क्रॉस क्यू, टी वेक्टर क्रॉस क्यू वेक्टर। माने मेरे पास दो वेक्टर अगर पड़े तो मेरे पास पी क्रॉस क्यू पड़ा है, और तीसरा कौन है? ए आर वेक्टर। अब मेरे को किस किस चीज की जरूरत है? याद है आर माइनस ए ही है ना, एन वेक्टर की जगह पी क्रॉस क्यू, तो मैं अपनी तरफ से क्या ले लूं? है ना, आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर डॉट पी वेक्टर क्रॉस क्यू वेक्टर इक्वल टू जीरो। बहुत बढ़िया, अब आप थोड़ा थोड़ा लाइन पे, लेकिन अभी लाइन नहीं है, अब तो लाइन चालू हुई है। आप में से अरे किसी को बताएं आर का पी क्रॉस क्यू से डॉट करते ही डब्बा आर पी क्यू, क्या आपको बात पकड़ में आया? अच्छा माइनस ए से डॉट करते ही तो डब्बा आर पी क्यू इक्वल टू ए पी क्यू, क्या ये बात पकड़ में आ रही है? तो इक्वेशन ऑफ प्लेन हैविंग दिस इक्वल टू दिस, ये प्लेन की इक्वेशन है, डब्बा आरपी क्यू इक्वल टू डब्बा एपी क्यू, डब्बा आरपी क्यू इक्वल टू डब्बा एपी क्यू, दैट इज इक्वेशन ऑफ प्लेन। याद रखना भाई, बहुत शानदार चीज है, कभी ऐसे मिल जाए अचानक से ठीक है ना, तो आपको रटी हुई होनी चाहिए, क्योंकि अगर मैंने यहां पे नहीं दिखाई ना तो फिर अपन कहां दिखाएंगे। पिछले वाले से अलग अंदाज से उठाया। अच्छा सर मतलब आप इसको ऐसे नहीं उठाना चाहते थे कि ए आर पी क्यू, ए आर पी एंड क्यू आर को प्लानर, वैसे नहीं उठाना चाहते थे ना? नहीं मैं वैसे भी उठा सकता हूं, तब भी अलग अंदाज में उठाऊंगा। देखो अगर किसी ने मेरे को बोला, इसी का सेकंड पॉइंट उठा रहा हूं, जरा ध्यान से देखना, मजा आ जाएगा अपने से कही हो, जिनका दिमाग चल खाता है ना वो तो ध्यान की बरसात से खुश हो जाएंगे, उन्हें ही पता है कि मैंने क्या बोला, ए आर वेक्टर पी वेक्टर एंड क्यू वेक्टर आर को प्लानर। ये बात समझ में नहीं आ रही? यहां तक आई पकड़ में? ये तीनों कैसे को प्लानर है? आपको याद है अगर तीन नंबर कोई भी को प्लानर हो, सही है ना, तो मैं एक को बाकी बच्चे के टर्म्स में दिखा सकता हूं, तो इसका मतलब मैं यहां पे कह सकता हूं ए आर वेक्टर इज इक्वल टू लैम्डा पी वेक्टर प्लस न्यू टाइम्स क्यू वेक्टर, क्या ये कह दूं क्या? और अगर मैं ऐसा नहीं कह करके आपसे ये कहता हूं कि मुझे अचानक से पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि मुझे ये कहना चाहिए था, क्या ये बात सही है? थोड़ा शायद गलत लगे लेकिन आपको ये सही भी लगती है, सही है ये, सही है कि नहीं? हाँ, और अगर ये सही है तो ये भी याद रखना ये पैरामेट्रिक इक्वेशन है, पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ, ठीक है ना, प्लेन, पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ प्लेन, राइट है। बहुत काम की चीज हाथ पे चढ़ गई, ठीक है, पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ प्लेन, ठीक है, याद रखना पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ प्लेन मिलते ही क्या क्या करना है सुना? अगर कभी भी ऐसी इक्वेशन मिल गई, इक्वेशन मिलते क्या क्या करना है? दो काम करना है। स्टेप नंबर वन, पहला स्टेप क्या करना है सुनो, पहला स्टेप लैम्डा और पी के पास जो भी बैठा हो, कोई जरूरी नहीं पी और क्यू, कोई भी बैठा हो लैम्डा और पी के साथ जो भी बैठा है उसका क्रॉस प्रोडक्ट आपको एन देगा,
लैम्डा और म्यू के साथ, लैम्डा और म्यू के साथ जो भी बैठा है उसका क्रॉस प्रोडक्ट आपको क्या देगा, एन। तो एन निकालो, कैसे निकालना है, एन इज इक्वल टू पी क्रॉस क्यू से। क्या ये बात समझ में आई, एन वेक्टर हो गया। अच्छा दूसरी बात, इक्वेशन ऑफ प्लेन स्टेप टू, ठीक है ना। सेकेंड स्टेप क्या है, इक्वेशन ऑफ प्लेन, वो कैसे निकलेगी, जो आगे रह गया लैम्डा और म्यू के अलावा जो एक वेक्टर रह गया उसको आर में से घटाओ, आर माइनस ए डॉट एन वेक्टर जो ऊपर से लाओ इक्वल टू जीरो कर दो, आंसर लपक के आ जाएगा। लैम्डा और क्यू के साथ, लैम्डा और म्यू के साथ जो भी बैठा है वो आपको पी क्रॉस क्यू से एन दे देगा, क्लियर है। और बाकी आप ए से निकाल ही लोगे, कहानी पकड़ में आई है नहीं। अगला, बिल्कुल रटी होनी चाहिए चीज, क्योंकि है ना आपको पता है जहां लैम्डा म्यू आया आपकी आंखें छोटी हो जाती है अचानक से। हाँ भाई फोटो बना रहा हूं, नाम भी लिख लूंगा तब तक आप पहुंचोगे। दो लाइन है पैरेलल, ठीक है। पहली लाइन का नाम आर वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर, सही भाई। इसका नाम कुछ और रख लेते हैं, लैम्डा पी वेक्टर। और यहां पे अगर देखा जाए तो इट इज आर वेक्टर इक्वल टू, है कि नहीं, आर वेक्टर इक्वल टू बी वेक्टर प्लस लैम्डा पी वेक्टर, चलेगा। अब बताओ, हाँ साहब, किसी को ध्यान पड़ा, मुझे डब्बे में डालने के लिए तीन पैरेलल वेक्टर की दरकार है, तीन वेक्टर की दरकार, तीन वेक्टर जो जो दिखा दो। एक वेक्टर मैं बता देता हूं, ये लाइन का वेक्टर पी वेक्टर, इस लाइन का वेक्टर पी वेक्टर, जो मैं एक लिख दूंगा। देखो तीन वेक्टर चाहिए, ठीक है। एक और वेक्टर दिखाता हूं, इन दोनों लाइनों पे, इन दोनों लाइनों पे दो पॉइंट दिखा रहा हूं आपको। पहला का नाम ए, ए वेक्टर नहीं आया, दूसरे का नाम बी, बी वेक्टर। ये कहां से लाया, ए और बी कहां से ला रहा हूं, येरा बी दिखा आपको, सिक्स पॉइंट। इन दोनों को मिलाने पर एक वेक्टर और नसीब हो गया, एक वेक्टर कौन, पी वेक्टर, दिख रहा है पी वेक्टर। इन दोनों का क्रॉस आपको क्या दे देगा, एन वेक्टर दे देगा कि नहीं दे देगा। अब अपने को एक और चीज की जरूरत है, अगर डब्बे से जाता हूं तो भी, और बिना डब्बे के जाता हूं तो भी, डब्बे से जाता हूं तो एक मिनट में काम खत्म। एक चलता हुआ पॉइंट, वेरिएबल पॉइंट, उसका नाम आर, किसी को स्ट्राइक करा, मैं तीन वेक्टर दिखा चुका हूं डब्बे में डालने के लिए। पहले का नाम बोलो ए आर, बेहतरीन। अगले का नाम बोलो ए आर, ए आर के बाद ए बी वेक्टर। अगले का नाम बोलो और कौन, और पी वेक्टर नहीं है इक्वल टू जीरो, बस बात करो। ए आर वेक्टर है ना, ए बी वेक्टर और पी वेक्टर नहीं है, सही है। आपने तो मेरे को बोला था ये और ये का क्रॉस प्रोडक्ट एन दे देगा। अब आप इसे खोल के बताना ये क्या खुलेगा, ए आर वेक्टर डॉट ए बी क्रॉस पी, क्या आपने नहीं बोला था ए बी क्रॉस पी आपको एन देगा। सोचो ना, ये ए बी और ये पी मिलकर के इनका क्रॉस प्रोडक्ट भी तो आपको एन दे रहा था, नहीं आया। मैं आपके दिमाग में पता है बार बार भर रहा हूं कि मेरे को डब्बे में डालने के लिए तीन वेक्टर दो, एक वेरिएबल वेक्टर ए आर और बाकी दो आप कहीं से भी जुगाड़ो, सही है। तो इसका मतलब ये कि ए आर डॉट ए बी क्रॉस इतना। अच्छा खैर, अभी भी मेरे को थोड़ा हल्का सा डाउट है, ठीक है, मैं इस पर बात रखना चाह रहा हूं, लेकिन मुझे अब लग रहा है कि अब आपको असली बात समझ में आएगी। अच्छा, ये डब्बा 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 इसलिए हो रहा था इतनी देर से। लेट्स सी, मिटा दूं ये वाले बात। अच्छा हाँ भाई, आइएगा फटाफट से अगला क्वेश्चन। एक्सप्रेस आर वेक्टर इक्वल टू आई कैप माइनस टू जे कैप प्लस लैम्डा इंटू टू आई कैप माइनस जे कैप प्लस थ्री के कैप, ठीक है भाई, प्लस म्यू इंटू थ्री आई कैप प्लस फोर जे कैप माइनस के कैप, ठीक है, इंटू, ठीक है, स्केलर डॉट प्रोडक्ट फॉर्म, इंटू स्केलर डॉट प्रोडक्ट फॉर्म। एक नया वर्ड यूज कर दिया मैं, स्केलर डॉट प्रोडक्ट फॉर्म, ये क्या चीज होती है, स्केलर डॉट प्रोडक्ट फॉर्म क्या चीज है, आर माइनस ए डॉट एन वेक्टर, ऐसे में दिखा दो आप। कितने लोगों को ध्यान है कि मैं एन कहां से लाऊं, लैम्डा और म्यू के क्रॉस प्रोडक्ट से, फटाफट बना लो।
कितने लोगों को अभी भी याद है कि दो लाइनें एक प्लेन को दिखा सकती हैं? याद है? दो लाइनें, टू लाइंस डिटरमाइंस अ प्लेन। कैसे? एक कैसे लाऊंगा? एक तो इंटरसेक्शन और दूसरा क्रॉस कराते ही एन। सही है? अच्छा हाँ भाई, तब तक किसी ने बनाया तो बोलो। मैं सबसे पहले दौड़ू किस पे? एन पर। बहुत टाइम लेते हैं आप लोग। एन के लिए आई जे के अंदर अंदर क्या भरू? दो माइनस एक तीन, तीन चार माइनस एक। हाँ भाई सोच लिया? एक मिनट, कौन बोलेगा? हाँ बोलो। एक मिनट, माइनस इलेवन, इलेवन, इलेवन। अरे वो बड़ा अच्छा नंबर है, है क्या नहीं भाई? माइनस ग्यारह, ग्यारह, ग्यारह। सही है? अच्छा ये एन वेक्टर आ गया। एन वेक्टर आने के बाद मेरे को दरकार किसकी है? आर माइनस ए। ए बनने के लिए वन माइनस टू और जीरो, तीन जने तैयार हैं। और मेरे को कोई मतलब नहीं क्या आएगा डॉट, मुझे तो लिखना है माइनस ग्यारह, ग्यारह, ग्यारह और आगे चल देना है। क्यों टाइम वेस्ट करूं? सही है? इतना तो मैं आंख बंद करके भी बता सकता हूं। माइनस ग्यारह एक्स प्लस ग्यारह वाई प्लस ग्यारह जेड, तीन चीजें तो बताई थी मैंने, चौथी तो आप ही पता कर लेना। नहीं है? और वो जैसे मैं एक्स वाई जेड में आऊंगा कार्टेशियन फॉर्म हो जाएगा, जो कि इसने नहीं मांगी। उसने कहा ऐसे ही बना के छोड़ दे, आर माइनस ए डॉट एन। आगे चलें, अगला पॉइंट। ठीक है, अगला क्वेश्चन। मैं थोड़ा धीरे हो सकता हूं, ठीक है, परेशान मत होइएगा। देखिएगा, इक्वेशन ऑफ प्लेन कंटेनिंग लाइंस। सही है भाई? एल वन आर वेक्टर इक्वल टू जीरो टू वन प्लस लैम्डा इंटू वन माइनस वन वन। सही है? एन एल टू आर वेक्टर इक्वल टू टू थ्री सिक्स प्लस म्यू इंटू टू वन फाइव। सही है? अभी भी आपने ही तो बताया था कि दो लाइनें जो है इंटरसेक्टिंग हो जाए तो आप प्लेन दे दोगे। पहला कैसे दोगे? इंटरसेक्शन पॉइंट निकाला पड़ेगा। इंटरसेक्शन पॉइंट निकाले आप, मैं आपके सामने एक फोटो बनाता हूं, देखो आपका काम बनता है कि नहीं बनता। रुको, आप इंटरसेक्शन पॉइंट लगाने में अपनी एनर्जी वेस्ट मत करो, पहले देखो काम बनेगा कि नहीं बनेगा। ये दोनों लाइनें इंटरसेक्टिंग है। सही है? इस लाइन पे एक फिक्स पॉइंट आप जानते हो, बोलो कौन? इस पे एक पॉइंट ए है जिसका नाम जीरो टू वन। सही है भाई? अच्छा इस पे भी एक पॉइंट जानते हो, कितना? टू थ्री सिक्स, टू थ्री सिक्स। पक्का? अच्छा एक बात बताइए, किसी भी प्लेन की क्वेश्चन के लिए आपको दो चीजों की दरकार है, आर माइनस फिक्स पॉइंट, आर माइनस फिक्स पॉइंट। दैट फिक्स पॉइंट शुड लाई ऑन प्लेन। क्या ये दोनों पॉइंट प्लेन पे लाई कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? तो मेरे को आर माइनस जीरो टू वन में क्या दर्द है भाई? मैं क्यों इंटरसेक्शन पॉइंट के पीछे पड़ा हूं? आता है तो वेलकम, नहीं आता तो भीड़ कम। नहीं है कोई पंगा थोड़ी ना हमारे, हमारे पास दो पॉइंट पड़े हैं, किसी को चढ़ाओ भाई। फिर कौन बाकी, कौन बचा? फिर कौन बचा? एन वेक्टर। एन वेक्टर के लिए तो क्रॉस मारना पड़ेगा। वो आप यू बता दोगे? कहीं बता देंगे? नहीं बता देंगे। मेरे जैसा तो इतना शैतान होते हैं ना कई लोग, यही के यही काम खत्म, आई जे के। सही है कि नहीं? आगे तो आप कर ही दोगे। ठीक है, सीधा भर देना, सीधा नीचे ही चिपका देना, आंसर खत्म। क्यों टाइम वेस्ट करें? जैसे हम में से कई लोग देख सकते हैं माइनस पांच, माइनस एक, माइनस का छह। ठीक है, पांच माइनस दो तीन, माइनस का तीन, और एक पर कौन? एक प्लस दो तीन। सही है? नहीं है? मैं तेज निकाल के लगता गाड़ी, धीरे चल रहा हूं लगता मैं। सही है? चलो बढ़िया। क्या बिले भी ले लो, हाँ कोई तकलीफ नहीं। मल्टीपल चॉइस के अंदर वो ये भी देगा, ये भी देगा, इंटरसेक्शन पॉइंट वाला सी भी देगा। सही है कि नहीं? अरे ये कितने लोगों को समझ में आ गया ये क्वेश्चन? किसी को नहीं आ गया? मैं आजकल पीछे देखता हूँ सीधे कितने लोगों को आ गया। ठीक है, अपने तीन बंदे तो पक्के होते हैं हर बार। ठीक है, ये चलो हाथ तो खड़ा कर देते हैं, दिल नहीं दुखाते। ठीक है, अगला पॉइंट के ऊपर बात करता हूँ। प्लेन के अंदर ही अगला पॉइंट लिख रहे हैं। ठीक है, इंटरसेप्ट फॉर्म, इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ ए प्लेन, ऑफ प्लेन, इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ ए प्लेन है। नहीं अभी भी अपने पास में इंटरसेप्ट फॉर्म के लिए है कि नहीं? पेपर तैयार है। प्लेन है ना ये, मानते हो ये तो प्लेन है? सही है, एक और दे दो।
कुछ गड़बड़ हो जाए तो दुखी मत होना ना, नहीं गया अरे लगा एक बार के लिए, अरे गया गया ठीक है, टूट जाएगा अभी। एनीवे काम की बात क्या है सुनिए आप, ठीक है। आई एम जस्ट ट्राइंग इट, कंफर्म नहीं हूं मैं कि ये काम कर जाएगा, क्योंकि शायद कहीं इधर उधर अपने को, ठीक है, इसमें भी कहीं और छेद करना पड़ेगा मेरे को लगता है, ठीक है। कितना भी कर लो, लड़कियां देखिए ना, कहीं देखा है ना कईयों के कान में तीन तीन छेद होता है फिर भी बात सुनती है क्या, ठीक है ठीक है, कि इतने है क्या नहीं, ये तो अपन तो क्या है एक दो एक्स्ट्रा करवा ही देते हैं तो भाई सुन लेगी नहीं सुनेगी, ठीक है। एक मिनट काम की बात सुनेगा है ना, ये तो बिल्कुल ही नहीं लग रहा, बिल्कुल ही नहीं लग रहा, ठीक है। शायद एक पेन अपने को इधर उधर करना पड़ेगा लास्ट में, रुक जाओ, हाँ टॉपी है ना, हाँ क्यों नहीं एक मिनट, हाँ कंफ्यूज हो जाओगे मुझे पता था अगला डायलॉग कोई ना कोई देगा ही देगा, ठीक है। काम की बात सुनिएगा, ये है, ये एक्चुअल में क्या है ना, इसको जरा समझने का प्रयास करना, थोड़ा छोटा हो गया है, ठीक है, तो पीछे से तो बिल्कुल भी आइडिया नहीं पड़ेगा, समझ में ही नहीं आएगा, लेकिन फिर भी आपके कईयों के दिमाग में आ जाएगा ये, थोड़ा बहुत समझ सकते हैं, ठीक है। ये अगर आप देखें तो ये एक्स एक्सिस, ये वाला एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस, एक्स वाई जेड एक्सिस, ठीक है। आपको अगर ये एक्स वाई जेड एक्सिस है तो आपको पता चल गया होगा ये प्लेन यू काटता हो गया है, यू ये प्लेन यू काटता हो गया, आर पर इन्फाइनेटली उधर, इन्फाइनेटली इधर, मेरे हाथ में क्या है ओरिजिन, ये ओरिजिन है ना मेरे हाथ में, जहां इनका तीनों का मीटिंग है, सही है, ये ओरिजिन है और ये काटता हो गया। मैं कैसे पता था यू काटता हो गया तो शायद आपको आइडिया नहीं होता। और दूसरी बात, नहीं अपने को तो कोई ऐसा वो मार्कर जैसा चाहिए था, ठीक है, खैर कोई बात नहीं है क्या किसी पास, हाँ बिल्कुल एग्जैक्टली, ये एक सेकंड, ये ज्यादा जरूरी है, ठीक है। ट्राई कर लेते हैं ट्राई, लेकिन इससे काम नहीं चलेगा, वही देना पड़ेगा एकदम जो पोत के रख दे इसको, ठीक है, दूर से भी दिखाई दे जाए आप में से सभी को, सही है भाई, ध्यान रखना, एक बार किसान जिस खेत पे खेती कर देता वो उसका हो जाता है, समझ रहे आप, तीन पेन गए। एनीवे ये आप देख रहे हैं, ये जो चीज दिख रही है क्या दिख रहा है आपको, ट्रायंगल दिख रहा है ना, एग्जैक्टली अभी हम ट्रायंगल ही बनाएंगे, दिख गया ट्रायंगल है कि नहीं। अब हम जब इसको ड्रॉ करते हैं ना तो हम लोग ऐसे ही दिखा पाते हैं, क्योंकि हमारे पास ऐसे दिखाने का संभव नहीं है, ठीक है, तो हम कैसे दिखाते हैं, ऐसे दिखाते हैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, और हम लोगों के पास एक ही चॉइस है कि हम आपको ये दिखाएं कि प्लेन यू काट के गया है, ये वही ट्राइंगल है, क्या आपको मेरी बात समझ में आई है, लेकिन ये इन्फिनिटली उधर उधर ऊपर नीचे सब तरफ है, ये ऐसा है। एनीवे काम की बात इधर से देखिएगा, ठीक है, थोड़ा सा एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस को हटा करके आप तक पहुंचने के लिए मैं जरा इसको हटा के बात कर रहा हूं, ठीक है, अगर आप इसे देख पाए तो ये भी देखिए, उल्टी साइड से देखें ज्यादा समझ में आएगा। अब मैं आपको ये दिखा रहा हूं, ट्रायंगल तो उधर ही है लेकिन ऊपर एक पिरामिड बन गया, तो कुछ क्वेश्चन होंगे टेट्राहेड्रॉन के तैयार हैं, टेट्राहेड्रॉन समझ में आया या नहीं आया, तो टेट्राहेड्रॉन के क्वेश्चन के लिए भी तैयार रही है। अच्छा दूसरी बात, कहीं ना कहीं इसका सेंट्रॉइड भी होगा यहां इस जगह पर, इधर बीच में कहीं कहीं यहां पर कहीं सेंट्रॉइड होगा, आप में से कहीं होगा पता चल जाएगा, जी दिख जाएगा आपसे क्वेश्चन वाला, जी भी पूछेगा, लेकिन ये रेगुलर टेट्राहेड्रॉन नहीं होगा, कल हम पिट के चुके हैं रेगुलर टेट्राहेड्रॉन के नाम पे, याद है, क्योंकि वो रेगुलर टेट्राहेड्रॉन नहीं था। एनीवे और क्या चीज पूछी जा सकती है, अच्छा बिल्कुल, ये जो ट्रायंगल है इसका जो मिड पॉइंट होगा, अरे ध्यान से समझना भाई, इसका जो मीडियन होगा, मीडियन ही क्या बोलते हैं, सेंट्रॉइड होगा, एक ट्रायंगल का जो सेंट्रॉइड होगा ऊपर से पड़ने वाला परपेंडिकुलर एग्जैक्टली वहीं ड्रॉप होगा। ये कई बच्चों को नहीं समझ में आता कि अगर परपेंडिकुलर क्या होता है, ये होता है परपेंडिकुलर, दिखा आपको नहीं दिखा, ये परपेंडिकुलर है, ये हाइट है, ये हाइट है, नहीं है पिरामिड की ये हाइट है, ये परपेंडिकुलर ड्रॉप हुआ है, क्या आपको गाड़ी पकड़ में आई, ये परपेंडिकुलर कहां ड्रॉप हुआ, सामने वाले के सेंट्रॉइड पे, चीजें क्लियर है ना, हाँ, क्योंकि मेरे पास में और कोई चॉइस नहीं है, मैं हाथों जो जो भी बना सकता हूं, जो मैंने किसी टाइम पे खुद ये बैठे बैठे हाथ घुमा घुमा कर, हाँ सॉरी ठीक है, कितने खुश हुए सर, ये नहीं मैं इसका क्या करूंगा, ठीक है, चौक उधर दे दिया मैंने, आइएगा चले हम बना के, है नहीं, एक तो फोटो बना ले, अच्छा फोटो, अरे देखो मैंने आपसे पूछा ही नहीं, ठीक है, ये वाली जो लैग है वो एक्स एक्सिस पर है, है नहीं, अच्छा
ये जो यहां से यहां तक की दूरी है इसका नाम ए है, ये पॉइंट, अरे यार बिगड़ गया, ठीक है ये ए है, क्या ये कहानी क्लियर है, ये ए है तो ये वाला पॉइंट होगा ए जीरो जीरो, सही है, ये डिस्टेंस जो है वो सी है, ये वाली डिस्टेंस बी है, तो ये वाला पॉइंट हो गया जीरो बी जीरो, जीरो बी जीरो, सही है, इसका नाम ए कर देता हूं, इसका नाम बी कर देता हूं, दिस पॉइंट इज सी जीरो जीरो सी, क्या ये बात पकड़ में आ गई, अच्छा वेरी गुड, ये डिस्टेंस सी है, ठीक है, तो आप में से किसी को पता हो तो ये इंटरसेप्ट हो गया, ये इंटरसेप्ट हो गया, तो इंटरसेप्ट लेंथ ऑन एक्स एक्सिस इज ए, इंटरसेप्ट लेंथ ऑन एक्स एक्सिस बी, इंटरसेप्ट लेंथ ऑन एक्स जेड एक्सिस इज सी, और ये जो प्लेन है इस प्लेन की इक्वेशन जो होगी, इस प्लेन की इक्वेशन वो याद रखनी है आपको, बहुत शानदार है इक्वेशन ऑफ प्लेन, देखते किसी पुरानी चीज की याद आएगी, एक्स अपॉन ए वाई अपॉन बी प्लस जेड अपॉन सी इक्वल टू वन, याद आ गया आपको, इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ लाइन, याद आया आपको, लाइन जैसी चीज पड़ी थी, एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी इक्वल टू वन, ठीक है, अच्छा एक और बात इसी के अंदर, एक रिमार्क छोटा सा, इफ प्लेन इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, अगर प्लेन जो है एक्स एक्सिस पैरेलल होगा तो उसका कोफिशियंट जीरो होगा, एक्स का कोफिशियंट जीरो होगा, याद आया ना, नहीं याद आया, याद आया कुछ आपको, पक्का है ना, एक्स का कोफिशियंट कौन है, वन बाई ए, और वन बाई ए जीरो कब होगा, जब ए इनफाइनाइट होगा, तो याद रखना पैरेलल टू एक्स एक्सिस माने ए इनफाइनाइट होगा और एक्स का कोफिशियंट जीरो हो जाएगा, जीरो होता है हमारा प्लेन क्या हो जाएगा, तब इक्वेशन ऑफ प्लेन हो जाएगी वाई बाई बी प्लस जेड बाई सी इक्वल टू वन, याद रखना कई बार ऐसी भी इक्वेशन होती है, ठीक है, अच्छा इस पूरी कहानी में यह भी बता दूं एक क्या चीज है, एक्स इंटरसेप्ट, नहीं याद आया, एक्स इंटरसेप्ट है, आओ आगे चलेंगे हम लोग, ठीक है, अच्छा खैर मैं क्या बोल रहा था, एनीवे काम की बात सुनना, आप में से कितने लोग ये मानते हैं कि ये सर आपने ये एक्स इंटरसेप्ट ए बोला, इसका मतलब अगर मैं वेक्टर में देखूं तो ए आई कैप, सही है, अच्छा तो ये सर बीजे कैप, तो ये सर सी जो है वो इनका क्रॉस प्रोडक्ट है, यही है ना, अच्छा एक सेकेंड और एक मिनट, अगर मैं इसको यू ना देखूं तो ट्रायंगल की नजर से देखता हूं तो मेरे पास तीनों के वेक्टर वैल्यू पड़ी है, ए जीरो जीरो जीरो, ए आई कैप, जीरो जे कैप, जीरो के कैप, क्या आप ये बात मानते हैं, अगर मेरे पास में किसी भी ट्रायंगल के पॉइंट अवेलेबल हो तो उस केस में जो डेल्टा होता है, ठीक है, पॉइंट नंबर थर्ड, डेल्टा माने एरिया, याद है आपको, दैट विल बी हाफ ए क्रॉस बी प्लस बी क्रॉस सी प्लस सी क्रॉस ए, याद है, ए आई कैप प्लस बीजे कैप, ए आई कैप क्रॉस बीजे कैप, मैं भूल जाता हूं यार ये चीज है, मैं कैसे भूल जाता हूं, क्या होता है ए आई कैप क्रॉस बीजे कैप, मॉड ए मॉड बी साइन 90 एन कैप के कैप, नहीं आया, ढंग से बोलते हैं, मॉड ए मॉड बी साइन 90 इंटू के कैप, क्या ये बात समझ में आई, नहीं आया, इसके लिए बोला मैं, अब ये जे है ये के है, जे क्रॉस के आई, तो मैं आपकी बार लिख रहा हूं प्लस मॉड बी मॉड सी साइन 90, पहली बार इतिहास में किसी ने मेरे से इतनी मेहनत कराई, क्या बोल रहा था मैं, आई कैप, पक्का है ना भाई, अच्छा ये मॉड सी मॉड ए साइन 90 कौन बच गया भाई, आई कैप के बाद जे कैप, पक्का है ना भाई, लेकिन मैंने बात यहां खत्म नहीं करी, मैं आपको याद दिलाता हूं साइन 90 किसी किसी को पता है, वन, सही कि नहीं, अच्छा आप में से सभी को ये चीज समझ में आ गई होगी, इट इज 1/2 ए बी आई कैप, अब आप में से कई लोग ये समझ जाएं ए बी के कैप, सही है, ये कितना बीसी जे आई कैप, ठीक है, इट इज सी ए जे कैप, क्या ये बात सही है क्या, अच्छा ये मेरा क्या है एरिया माने डेल्टा, ठीक है, अच्छा अगर मैं पूछू मेरे को डेल्टा का मॉडुलस निकालना है तो, अरे ये वेक्टर एरिया है या स्केलर एरिया है, ये वेक्टर एरिया है, स्केलर एरिया कैसे निकालो, मॉड लेके ना, तो एक्चुअल में अगर किसी ने मुझसे स्केलर एरिया मांगा तो स्केलर एरिया है नहीं, दैट इज इक्वल टू डेल्टा इक्वल टू में 1/2 अंडर द रूट ऑफ, याद है ना, अंडर द रूट ऑफ ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस सी ए का स्क्वायर, क्या ये बात समझ में आई, सी ए का स्क्वायर, आइए फटाफट से, बहुत काम की चीज है, आपने मेरे से प्रूफ करवा ली है, आपको नहीं पता, ठीक है, एक और चीज आपने मेरे से प्रूफ करवा ली, अच्छा परपेंडिकुलर डिस्टेंस
ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ प्लेन, किसी प्लेन से किसी दिए गए पॉइंट की दूरी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम अ प्लेन, ठीक है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम अ पॉइंट टू अ प्लेन, ठीक है। डायग्राम से पहले मैं आपसे पूछ लो, प्लेन दिया है, प्लेन देगा या नहीं देगा? अरे प्लेन तो देगा, मैं तो दूरी किसकी निकालूंगा, प्लेन देगा, प्लेन देते हैं आपको क्या क्या दे दिया बता दो, एक तो आर दे दिया, एक ए दे दिया, एक क्या चीज है मैं भूल गया, और एक क्या देगा, ये भी एन भी तो देगा, नहीं आया, इतना तो पकड़ में आया, इसका मतलब डायग्राम में आता हूं, इसका मतलब मैंने डायग्राम बनाया लपक करके ये वाला, सही है, कितनी चीजें देगी, एक तो पहले तो ए देगा, अरे ए ए वेक्टर तो देगा, और क्या देगा, एन एन एन, आर क्या देगा, आर तो घूमता हुआ पॉइंट है ना, प्लेन दे दिया ना पूरा, और एक क्या देगा, एन, लो साहब एन लगा दो, अरे बोलो ना, एन लगा दिया, तब एक लास्ट पॉइंट, ये इतना तो दिया है, और एक पॉइंट भी तो देगा जिसे दूरी निकालूंगा, अरे पॉइंट ही नहीं देगा तो निकालूंगा किससे दूरी, तो पॉइंट देगा, पॉइंट माने कोई एक पॉइंट ले लेता हूं, बी वेक्टर ले लू, कहा लू, ये यहां कहीं ले लेते हैं, बी ले लिया, बी सही है ना, बी वेक्टर, पॉइंट भी तो देगा, इतनी चीजें तो देगा, देने का मुझे क्या देना है, मुझे इस बी की इससे दूरी देनी है कि नहीं, लेकिन मैं आपसे जबरदस्त बात पूछूंगा, आप जवाब देना, सही है, आप में से किसी को अगर इतना नहीं हो तो बी और ए को जोड़ा जा सकता है, थोड़ा इसको आड़ा करके अपन जोड़े तो ज्यादा सही लगेगा, सही है, इसको थोड़ा और स्लांट कर देते हैं, ये बी है, ये ए पॉइंट यहां ले लेता हूं, ए वेक्टर, अगर आप लोग ज्यादा रोचक लगेगा, सही है। अच्छा एक काम करता हूं, आप में से अगर किसी को एतराज नहीं हो तो इस एन को पैरेलली शिफ्ट करा दूं, और इस तरह से शिफ्ट करा दूं तो ये समझ में आ गया होगा आपको, एक करा, क्या आपको लगता है कि ये दूरी ही डी है जिसे आप ढूंढते फिर रहे हो, अगर ये डी है तो ये एक तरह का ए बी का एन वेक्टर पर प्रोजेक्शन है, सही है, किस पर प्रोजेक्शन है, एन पर, तो मैं आपके लिए लिख देता हूं, डी इज इक्वल टू प्रोजेक्शन ऑफ AB वेक्टर ऑन N वेक्टर, बहुत बढ़िया लग रहा, एक बताओ किस पे गिरा प्रोजेक्शन, चिल्लाएगा कौन, दो बार के तीन बार, दो बार, क्योंकि एक वेक्टर थोड़ी ना है ना, तो मैं लिख दूं AB वेक्टर डॉट N वेक्टर अपॉन मॉड N, शानदार लग रहा। अच्छा लेकिन किसी को लगेगा सर एक काम करो ना, AB को B माइनस से लिख लो, क्योंकि दोनों है तो अलग अलग, मैं कहता हूं लिख लेते हैं, तो B माइनस A डॉट N वेक्टर अपॉन मॉड N, बहुत बढ़िया। अच्छा तब तक मैं आपके एक और काम करता हूं, आपको पता है ये r माइनस ए ही हमको फाइनली आगे पीछे r वेक्टर डॉट n वेक्टर इक्वल टू d देने वाला है, आप में से अगर किसी को एतराज नहीं हो तो याद है। अच्छा और एक और एक दो बातें और पूछूंगा, शायद आपको कईयों को समझ में आएगी, वैसे तो अपना आंसर आ चुका है, डोंट वरी है। अच्छा एक और बात पूछता हूं, कितने लोगों को याद है ये n क्या देता है, अरे नाम एबीसी, किसी प्लेन में एन क्या देता है, एबीसी, पक्का ना भाई, तो आपने से कई लोगों को स्ट्राइक करके सर नीचे तो पक्का मान लो थ्री डी के दुनिया में अंडरूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर आने वाला है, सही है ना। अच्छा थ्री डी की दुनिया में आते हैं, बी एक गिवन पॉइंट है, अगर बी एक गिवन पॉइंट है तो इसका नाम नॉर्मली क्या होगा, एक्स वन आई वन जेड वन, नहीं है ये बात नहीं समझ में आई। अच्छा ये बात समझ में आई तो एक और बात पूछता हूं, कैसे पूछी जाए ये बात, सोचनी पड़ेगी। अच्छा ए क्या चीज होगी, ए कहां से लाऊं, ए भी तो कोई पॉइंट होगा, कहां पर होगा, प्लेन पे, पक्का ना प्लेन पे होगा। अच्छा धीरे धीरे सोच रहा हूं मैं, ऐसे एकदम तेजी से सोचूंगा तो शायद है ना ब्लास्ट हो जाएगा, इसको एक्स टू वाई टू जेड टू मानू या जरूरत नहीं है, मान लेते हैं, मान लू। अच्छा कितने लोगों को लग गया एक्स टू वाई टू ना ना सॉरी एक्स वन वाई वन जेड वन माइनस एक्स टू वाई टू जेड टू इंटू ए। अब मैं आपके सामने जिनको डॉट प्रोडक्ट आता है उनको इकट्ठे खोल के दिखा रहा हूं, ए इंटू एक्स टू माइनस एक्स वन प्लस या एक्स टू माइनस एक्स वन या एक्स वन माइनस एक्स टू, वो भी ले सकता हूं एक्स वन माइनस एक्स टू, सही भाई। अच्छा प्लस बी इंटू वाई वन माइनस वाई टू, बहुत बढ़िया जा रहे हो आप, ठीक है प्लस सी इंटू जेड वन माइनस जेड टू। एक छोटी सी गलती हो गई है मेरे से, वो मैं आपसे डील कर लू। अरे एक मिनट, ये ए बी सी कौन है, काम बन गया उनका, एक्स टू एक्स वन कौन है, बी और ए बी माइनस ए, या तो भी पकड़, मैंने ऊपर की लाइन पूरी पूरी छाप दी है, इसमें कोई डाउट नहीं है। अच्छा और आगे चलता हूं, अपॉन में अंडर द रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब एक इंटरेस्टिंग बात पूछता हूं, प्लीज जवाब दीजिएगा,
ए की मल्टीप्लाई, कभी तो आप एक्स टू से करोगे या नहीं करोगे, तो बनेगा ए एक्स टू प्लस बी वाई टू प्लस सी जेड टू। आपको पता है एक्स टू वाई टू जेड टू इज अ पॉइंट लाइंग ऑन अ प्लेन। अच्छा, इससे हमारे पास में आएगा ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड इक्वल टू डी, आएगा कि नहीं आएगा? ये पॉइंट उस पर लाई करेगा कि नहीं करेगा? करेगा तो सेटिस्फाई करेगा। तो कैसा दिखेगा? ए एक्स टू प्लस बी वाई टू प्लस सी जेड टू इक्वल टू कितना? डी। ओ हो हो, अब आप में से किसी को अगर स्ट्राइक करो तो देखो ए एक्स टू प्लस बी वाई टू प्लस सी जेड टू बजाने को तैयार है, और उनकी जगह कौन आएगा? डी। तो आपके पास देखो कैसा रह जाएगा, देखो ऐसा रह जाएगा ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी जेड वन माइनस डी। सही है क्या? नहीं। और दूरी के लिए मॉड लेते ही हैं हम, तो आपको पता है कभी नेगेटिव नहीं आते, आप बोले तो मॉड भी ले लेंगे। ठीक है, अपॉन में नीचे कितना? अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ये ऐसा नहीं लग रहा आपको जैसे किसी ने प्लेन की क्वेश्चन में एक्स वाई जेड की जगह एक्स वन एवन जेड वन डाल दियो, बस बाकी तो कुछ क्या ही नहीं, और नीचे अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। एक मिनट। सही है भाई, मैं आपसे ऐसे बात पूछ रहा हूं, फॉर्मूला समझ में आ गया? ये कैसे आया? भाड़ में गया। इतनी सी बात याद रखना कि ये दो लाइनें तो रटी हुई होनी चाहिए, ये रटा होना चाहिए आपको, ठीक है? क्योंकि कई बार है ना आईटी इस पे हमला करता है। ये पॉइंट पता होना चाहिए और आपको ये पता होना चाहिए, दैट्स इट। बीच का आए चाहे नहीं आए कोई मतलब नहीं है, लेकिन मैं आपसे तो पूछता हूँ वो जरूर आना चाहिए, उसे क्वेश्चन करना कहते हैं। ठीक है, मैं आपसे पूछता हूँ, बताइए साहब 100 की 101 की, ठीक है ना, अपन किससे दूरी ले ले, कोई भी एक प्लेन बोल दो, आप में से कोई एक पसंद का प्लेन बोलो, तुम बोलो गुरुदेव, हर प्लेन नहीं 2xx ऐसा कुछ करके 2x प्लस 3y प्लस 9 z इक्वल टू 10। लो भाई इसकी पसंद से प्लेन बुलवाया, बोल दिया, दुनिया में कहीं तो होगा ये पॉइंट भी, कहीं ना कहीं होगा इस पॉइंट की इससे दूरी कुछ तो होगी। कैसे निकालूंगा? कुछ नहीं, डी लिखूंगा इक्वल टू लिखूंगा अपॉन में अंडर रूट में, पहला काम अंडर रूट पहले भरूंगा, 2 का स्क्वायर 4 9 81 नहीं है, अंडर रूट 94 अलग कर दो, ऊपर की तरफ चलो 101 रख दो, 2 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 0 प्लस 9 इंटू 1 माइनस 10। 10 कौन सा वाला? इधर वाला, उसको इधर बुलाऊंगा कि नहीं बुलाऊंगा? अब आप में से कई लोगों को जिनको कैलकुलेशन आती है 2 और 9 1 बचा गया, तो ऊपर से आंसर आ गया 1/√94। क्या मुश्किल है क्या? लीजिए साहब, क्या आप डिस्टेंस निकाल सकते हो? मस्त यूज है साहब डिस्टेंस फार्मूले का, इसकी इस पर थोड़ी जाते हैं अपन, ये तो 12th के पास आउट बच्चे को पता भी नहीं होता बेचारे को कि उसकी 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 एनसीईआरटी में कहां था। ठीक है, वो तो सीधा क्वेश्चन करता है जनाधन, जैसे आपने किए थे 11.3 के, है कि नहीं? लेकिन 11.3 के क्वेश्चन आपने कब किए थे, एक मिनट मैं आपको बता सकता हूं, आज थर्सडे फ्राइडे को किए थे, हाँ तो वही तो अपने अभी तक तो किए नहीं होंगे ना, है कि नहीं? फ्राइडे को किए थे, ये आपका परसों का डायलॉग तो मुझे आज सुनाई दे रहा है। ठीक है, चलिए लिखेगा नेक्स्ट पॉइंट है, पॉइंट नंबर 5 पे आ जाएगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल प्लेन्स, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल प्लेन्स। हाँ भाई, कुछ अच्छे अच्छे नाम बता दो पैरेलल प्लेन्स के, ऐसे 3D में बताना, पहला प्लेन मैं बोलता हूं दूसरा बोलना, राइट है? किसी को याद है P1 P2 बोलते थे दो पैरेलल होता? यस सर के आगे तो बोलो। कौन बोलेगा? कौन ऐसे फैला दो? नहीं यानी कैसे? नहीं, एक से नहीं, चेहरे से भी नहीं, और पीछे से कोई दो पैरेलल प्लेन? हाँ बोलना, तुक्का मार दे, बिल्कुल तुक्का, ये भी कौन सा पक्के मारने वाला? A1x, हाँ बोलो ना, या AX प्लस DY प्लस CZ एक प्लस, या फिर इक्वल टू D1 चलेगा? पैरेलल प्लेन होने पर सामने वाले का NB इसके जैसे ही होगा, माने ABC सेम रहेंगे, तो क्या इक्वेशन होगी? बस याद है कि नहीं? दो पैरेलल प्लेन हो गए, 3D की दुनिया में दो पैरेलल प्लेन हो गए। अच्छा, आप में से कितने लोगों को पता है? एक सेकंड, एक और क्वेश्चन पूछता हूं। मान लीजिए एक प्लेन है जिसका नाम 2x है, 2x प्लस का y माइनस का 7z इक्वल टू 3। अपने को एक और प्लेन चाहिए जो इसके पैरेलल हो और ओरिजिन से गुजरे, सही है? सही क्वेश्चन, अरे नहीं, और 111 से गुजरे। तो पहली बात मैं क्या करूंगा, इसके पैरेलल प्लेन बनाने के लिए लिखूंगा 2x प्लस y माइनस 7z इक्वल टू k।
किंग ले लूं, और ये किससे गुजरेगा? वन 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 से, तो वन 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 रख दूंगा, तो वन 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 रखते ही टू प्लस वन माइनस सेवन इक्वल टू के, के बोले तो कितना निकला? के इक्वल टू माइनस फोर। तो मेरे लिए अगली इक्वेशन आ जाएगी, इसका मतलब पैरेलल प्लेन मिल गई, टू एक्स प्लस माइनस सेवन बाई इक्वल टू माइनस फोर। नहीं आया आपको समझ में? आया क्या कर रहे हैं? टू डी का रिपीटेशन, वो चेंज सेवन जेड। ओके, क्या 2D का? 2D में ये सब काम करेगा नहीं? एक प्लेन दे दो, मैं पैरेलल प्लेन दे दूंगा। लेकिन 2D में एक और फैसिलिटी थी जो 3D में नहीं है। 2D में अगर भाई जब आपको कोई कह देना कि 2x plus y equal to 3 है, इसके परपेंडिकुलर लाइन, तो मैं तुरंत सोच जाता हूं x minus 2y equal to k। नहीं आया? नहीं आ रहा। 2D में तो फैसिलिटी थी, लेकिन 3D में नहीं है। बस ये 3D में सिर्फ पैरेलल पैरेलल की फैसिलिटी है। एनीवे, काम की बात भी हो गई, एक एग्जांपल भी हो गया, अब मैं वापस आता हूं। दो पैरेलल प्लेन के बीच की दूरी डायरेक्ट लिखूंगा, कोई समझाइश नहीं। उम्मीद है आपका दिमाग बहुत ज्यादा बढ़े। डी इज इक्वल टू मॉड डी टू माइनस डी वन अपॉन रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। उम्मीद है बिना बोले आप समझे, सही है? डिस्टेंस डी इज इक्वल टू दिस वन, सही है? अच्छा, फाइंड प्लेन पैरेलल टू पी वन x प्लस फाइव वाई माइनस फोर जेड प्लस फाइव इक्वल टू जीरो। राइट भाई, फाइंड प्लेन पैरेलल टू पी वन, इस प्लेन के पैरेलल पी वन प्लेन बताना है। आगे सुनो, लिख लिया प्लेन पैरेलल टू पी वन, आगे लिखेगा एंड सम ऑफ हूज, एंड सम ऑफ हूज इंटरसेप्ट्स, एंड सम ऑफ हूज इंटरसेप्ट्स, लिख लिया एंड सम ऑफ हूज इंटरसेप्ट्स ऑन कोऑर्डिनेट एक्सिस, एंड सम ऑफ हूज इंटरसेप्ट ऑन कोऑर्डिनेट एक्सिस इज 19, इज 19, सम ऑफ हूज इंटरसेप्ट, ठीक है, ऑन कोऑर्डिनेट एक्सिस इज 19, ऑन कोऑर्डिनेट एक्सिस इज 19। ऑल्सो फाइंड डिस्टेंस बिटवीन प्लेन्स, ऑल्सो फाइंड डिस्टेंस बिटवीन प्लेन, ऑल्सो फाइंड डिस्टेंस बिटवीन प्लेन, लिख लिया? नहीं है। ऑल्सो फाइंड डिस्टेंस बिटवीन प्लेन। हाँ भाई, ये मेरा क्वेश्चन है, आपका नहीं है, क्योंकि टाइम आप ज्यादा वेस्ट कर दोगे। आप तो बताइए पैरेलल प्लेन की क्वेश्चन, पैरेलल प्लेन क्या होगा? पैरेलल प्लेन होगा एक्स प्लस फाइव वाई माइनस फोर जेड इक्वल टू के, सही भाई? ये प्लेन होगा। अब आप में से किसी को भी अगर मैं पूछूं इसको इंटरसेप्ट क्या होंगे, सुना, पहले इसके इंटरसेप्ट फॉर्म बनाओ। हाँ, ये आपको ये इससे सीखना है। ये क्वेश्चन इसलिए उठाया जाता कि आपको पता लग इंटरसेप्ट फॉर्म का यूज क्या है। अगले ने इंटरसेप्ट वर्ड यूज कर दिया तो इंटरसेप्ट फॉर्म में जाना पड़ेगा। इंटरसेप्ट फॉर्म में जाने के लिए इधर वन बनाना पड़ेगा, इसका मतलब एक्स बाय के प्लस वाई बाय के बाय फाइव। ओ नो, ये क्या किया? सही क्या? अच्छा, प्लस में कितना? जेड अपॉन माइनस के बाय फोर, ये आया? अरे अरे हाँ के ना, इक्वल टू वन। क्या कितने लोगों को ये बात समझ में आ गई कि ये मैंने क्या कर दिया? इंटरसेप्ट फॉर्म। अभी अगला मेरे साथ है, इन सबका सम 19, किस किस का? k प्लस k बाई फाइव माइनस 4, एंड दैट इज ऑल इक्वलेंट टू 19। क्या आप k को सॉल्व कर लोगे? k को सॉल्व करते प्लेन आ जाएगा, सीधा ऊपर रखना और फिर d1 वन माइनस डी टू लगा देना, हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? मुश्किल है आसान है? चल रहा है, अपन कहां पे एक्स्ट्रा क्लास की बात करते हैं, ठीक है? अरे बस देखो कितने बनने लगे, एक दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ दस, ठीक है? कॉपी खत्म हो गई, हाँ मैं जानता हूं, कभी जल्दी ही छोड़ के देखो, है कि नहीं? लिखिए, आपको अगले में लिखिए, फाइंड प्लेन पैरेलल टू, फाइंड प्लेन पैरेलल टू, फटाफट लिखो, फाइंड प्लेन पैरेलल टू 2x minus 6y plus 3z equal to 0 at a distance, at a distance, find a plane parallel to this at a distance of 2 units, at a distance of 2 units, at a distance of 2 units from, at a distance of 2 units from point M, say yeah, 1 2 3 1 2 माइनस 3। एक ऐसे प्लेन की क्वेश्चन जो इसके पैरेलल हो और इस पॉइंट से दो यूनिट की दूरी पे हो। हाँ भाई,
कोई मेरे को प्लेन बता दे पहले तो, कि सर प्लेन तो ये पकड़ो, क्या प्लेन स्ट्राइक कर गया? प्लेन स्ट्राइक करा नहीं? लेट प्लेन इज, लेट प्लेन इज 2x माइनस 6y प्लस 3z इक्वल टू k, क्या बात समझ में आई? मैंने पहले प्लेन मान लिया। अच्छा अब ये प्लेन की खास बात क्या है, ये इससे दो यूनिट की दूरी पे, एक सेकेंड, क्या आपको समझ में आया मेरे इरादे क्या है? नहीं आया? ये अंदर क्या भरूंगा? 1 2 3 का उसमें पटक पटक, ये बोलो कितना होगा? 2 - 12 - 9 और माइनस का k, ये बात समझ में आई कि नहीं आई? अपॉन 1 + 4 + 9 नहीं आया? ये √14 एंड इसको उधर मल्टीप्लाई कर दूं, आप में से कई लोगों को अचानक दिखने लग गया होगा, -19 माइनस का k इज इक्वल टू 2 √14, क्या बात पकड़ में आ रही है? अपन को अगले पॉइंट पे क्या करूं? अब मेरे पास क्या चॉइस बची? दो केस, एक बार प्लस का एक बार माइनस का। अपन इसको आप चाहोगे तो अपन ये डील कर लेते हैं कि इसका माइनस माइनस पी लेते हैं, इसका k प्लस 19 का मॉडुलस इज इक्वल टू 2 √14, सही भाई? इसके दो केस बनाऊंगा, k प्लस 19 इक्वल टू 2 √14 और दूसरा केस होगा k प्लस 19 इज इक्वल टू -2 √14, क्या है बात समझ में आई? कितना होगा? अच्छा ओ मैंने इनका स्क्वायर कर दिया, हाँ वो दिखा नहीं, ठीक है आप क्या बता रहे? 4 - 12 और 12 क्यों 36 4 36 9, सही भाई? 7 आ गया, कितना प्यारा नंबर है। 14 तक तो सही लिखा था मतलब अपने, सही है। अच्छा तो आपको एक बात पता लगी, 14 और एक बार -14, सही भाई? तो k इज इक्वल टू कितना हो गया? -5 और k इज इक्वल टू -20 - 33, सही भाई? अच्छा आपको ये पंगा क्या है सर, ये कैसे हो सकता है? एक ऐसा प्लेन जो इसके पैरेलल हो और दो जगह पे हो, दो प्लेन कैसे बनेंगे? एक इधर और एक इधर, नहीं है? माने एक ऊपर एक नीचे, उतनी दूरी पर बनेंगे और दोनों पैरेलल होंगे, नहीं है? तो इसका मतलब दोनों आंसर सही है या एक आंसर सही है? और आंसर क्या होगा ये तो बता दो, 2x - 6y + 3z = -33 और दूसरे वाले हैं प्लस का 9, जो भी कर लोगे इसमें ये माइनस, इसको उधर लेके आया ना, एक उधर लाया, अरे फॉर्मूला ये था ना अपना, ax1 + by1 + cz1 - d = इसका मॉड है ना, डी को उधर लाते हैं माइनस। हाँ भाई आपकी शक्ल बता रही है कि आपको और क्वेश्चन करने का बहुत मन है, लेकिन 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 सही है, लेकिन एक पूरा वर्ड है, इसके आगे पीछे कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, ठीक है? एनीवे काम की बात सुनेगा, ध्यान रखिएगा, आज के दिन का काम दे रहा हूँ, कल दिया था मैं आपको काम, हाँ तो आज के दिन का भी दे रहा हूँ, 6 8 6 7 8 9 तो दे दिया था मैंने आपको, आज के दिन में दे रहा हूँ 11 13, इसमें कोई कदू का क्वेश्चन मैं आउट भी जा सकता हूँ, ठीक है? क्योंकि मैंने तो पूरा प्लेन लेकर के सोचा है, लेकिन काफी हद तक फिर भी कंट्रोल होगा। 11 13 14 16 माने 11 13 14 16 माने 11 13 14 16 17 22 25 16 27 28 30 33, राइट है भाई? आगे सुनिएगा, एक्सरसाइज टू में चलिए, एक्सरसाइज टू में 498, एक्सरसाइज टू में 498 है ना भाई, ये मैंने दे दिए थे पहले।